हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम पॉलिटी इस टॉपिक के ऊपर सेकंड क्विज लाए हैं। अब तक हमने फर्स्ट वन क्विज कंप्लीट कर चुके हैं, ये सेकंड क्विज है। क्वेश्चन नंबर वन हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स फ्रॉम नवंबर 26, 1949। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजंस फोर्स में आए नवंबर 26, 1949 से, यानी कि नवंबर 26, 1949 इस डेट के बाद नीचे दिए गए में से कौन से प्रोविजंस एक्ट होना शुरू हो चुके हैं। वन, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप, यानी कि जो नागरिकत्व के रिलेशन में रिलेटिंग जो प्रोविजंस है उसके बारे में। ऑप्शन नंबर टू, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इलेक्शंस। थ्री, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द प्रोविजनल पार्लियामेंट। फोर, फंडामेंटल राइट्स। तीन चारों में से कौन से प्रोविजंस नवंबर 26, 1949 के बाद फोर्स में आए। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड असेसमेंट। दैट्स मीन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इलेक्शंस, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये तीनों केम इन टू द फर्स्ट फोर्स फ्रॉम नवंबर 26, 1949। ये तीनों प्रोविजंस 26 नवंबर 1949 के बाद फोर्स में है और फंडामेंटल राइट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, जो प्रोविजंस थे रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इलेक्शंस एंड प्रोविजंस रिलेटिंग टू द प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये तीनों प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में थे वो फोर्स में आए नवंबर 26, 1949 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, Which of the following acts gave representation to the Indians for the first time in the legislature? नीचे दिए गए में से कौन सा एक्ट रिप्रेजेंटेशन टू द इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेचर, यानी कि विधिमंडल में नीचे दिए गए में से कौन सा सबसे पहला एक्ट रिप्रेजेंट करता है इंडियंस को। मैं क्वेश्चन फिर से दोहराता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव रिप्रेजेंटेशन टू द इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेचर। ऑप्शन नंबर वन, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1999, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, यानी कि 1909। ऑप्शन नंबर टू, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1919। थर्ड ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। इन चारों में से कौन सा सही आंसर है? इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट्स गिव द रिप्रेजेंटेशन टू द इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेचर, और The act which gave representation to the Indians for the first time in the legislature means Vidhimandal, is Government of India Act 1935. Government of India Act of 1935 act marked the milestone towards a completely responsible government in India. Next, question number 3, the crown took the government of India into its own hands by, the crown took the government of India into its own hands by, जो क्राउन था took the government of India का into its own hand, वो किस कौन से एक्ट से हुआ? चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, एंड फोर्थ ऑप्शन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। The crown took the government of India into its own hand by, जो crown था वो government of India ने कब किया अपने हाथ में, कब लिया अपने हाथ में और किस से,
किस एक्ट से उन्होंने अपने हाथ में क्राउन लिया। ऑप्शन नंबर वन चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, थर्ड ऑप्शन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड फोर्थ ऑप्शन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 वाज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम 21 एंड 22 विक्टोरियस C-106 पास्ड ऑन द 2 अगस्त 1858। जो क्राउन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो जो क्राउन यानी कि राजा किस राजा ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने हाथ में कब लिया और किस एक्ट से, उसका सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में एक पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया 21 एंड 22 विक्टोरियस C-106 पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम यानी कि आज का जो इंग्लैंड है उसका उसके जो पार्लियामेंट में 1858 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया ऑन 2 अगस्त 1858, जो उसकी डेट थी 2 अगस्त 1858। तो उस दिन से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो क्राउन था वो उन्होंने ले लिया क्राउन ने यानी कि राजा ने इनटू इट्स ओन हैंड अपने हाथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, नीचे दिए में से जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें कंसिडर कीजिए और कौन सा सही है ये हमें फाइंड करना है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि वो लिखित संविधान है। थर्ड लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो भारत का संविधान है वो लार्जली बेस्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पास किया गया उस पर बहुत ज़्यादा बेस्ड है। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट। द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट्स मीन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। थर्ड लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और सबसे ज़्यादा बेस्ड किस पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेस्ड हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, द डॉक्यूमेंट लेज डाउन द फ्रेमवर्क डिमार्किंग फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड स्ट्रक्चर प्रोसीजर्स पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड सेट आउट्स फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है वो सुप्रीम लॉ है भारत का। द डॉक्यूमेंट लेज डाउन द फ्रेमवर्क डिमार्केटिंग फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड स्ट्रक्चर प्रोसीजर्स पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। जो कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट है वो क्या लेज डाउन करता है, लेज डाउन द फ्रेमवर्क डिमार्किंग फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड, वो किसका फ्रेमवर्क है, डिमार्केटिंग फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड का, स्ट्रक्चर प्रोसीजर्स पावर्स एंड द ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर प्रोसीजर्स पावर्स और ड्यूटीज़ को वो बताता है। एंड सेट आउट फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, और वो क्या बताता है, फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन से हैं, और जो नागरिक किसी भी नागरिक के कौन से ड्यूटीज़ हैं वो बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेस अ सेलुलर स्टेट, मीनिंग जो भारत का संविधान है उन्होंने उसने एक इस्टेब्लिश की है सेलुलर स्टेट, उसका मीनिंग क्या होता है। सेलुलर स्टेट मीन्स द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजियंस इक्वली,
जो स्टेट रिलीट्स करता है। भारत के संविधान ने एक सेलुलर स्टेट कहा है खुद को, उसका मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट नंबर वन, द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली। वो एक ऐसा संघ है, राज्य है, जहाँ पे सभी रिलीजन्स यानी कि सभी धर्मों को एक समान माना जाता है। सेकंड स्टेटमेंट, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्कशिप इज ऑलोड टू ऑल द पीपल। किसी को भी किसी पर भी अपना फेथ यानी कि विश्वास और उसका पूजा करने का पूर्ण अलाउंस है, यानी कि वो अपनी मर्जी से किसी की भी पूजा कर सकता है, किसी पे भी विश्वास रख सकता है और उसको अपना धर्म मान सकता है। थर्ड, एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विदाउट एक्सेप्शन आर फ्री टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विदाउट एक्सेप्शन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है आर फ्री टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, वो फ्री होते हैं रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इम्पार्ट करने के लिए। द स्टेट मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो स्टेट होते हैं उन्होंने रिलीजन के बेसिस पर और इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि जब रोजगार देने की बात आए तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म के आधार पर उन्होंने कौन से भी निर्णय नहीं लेने चाहिए। तो इन चारों में से कौन सा उसका मतलब होता है, सही मतलब होता है सेलुलर स्टेट का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट, द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली, यानी कि ये जो भारत एक राज्य है, अगर आप एक भारत को एक पूरा बड़ा राज्य समझें सभी राज्यों को मिलाकर, तो एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सभी रिलीजन्स यानी सभी धर्मों को एक समान माना जाता है और किसी भी इंसान को किसी भी इंसान को फ्रीडम ऑफ फेथ यानी कि किसी पे भी विश्वास रखने का पूर्ण स्वतंत्र है, उसकी पूजा करने का पूर्ण स्वतंत्र है। थर्ड, एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विदाउट एक्सेप्शंस आर फ्री टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसा नहीं कर सकते, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, सभी को समान हक देना पड़ता है, उन्हें सभी को समान हक है। द स्टेट मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब रोजगार देने की बात आए तो किसी भी स्टेट नो मेक्स यानी कि जो एक राज्य है भारत, जो देश है, वो बेसिस ऑन रिलीजन यानी कि धर्म पे आधार पर वो रोजगार नहीं देगा, वो सभी को समान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, द नेशनलिस्ट डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कंसेंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टफ इनडायरेक्टली एंड विद द रिजर्वेशंस इन द। जो नेशनलिस्ट डिमांड थी यानी कि जो भारत की पूरी डिमांड थी फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम कंसिडर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और सबसे पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें कंसिडर किया कि जो भारत की थी जो राष्ट्रवादी डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंसिडर की तफ इनडायरेक्टली विद द रिजर्वेशन इन द, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने वो कंसिडर किया विद द रिजर्वेशन इन द, और उन्होंने कुछ रिजर्वेशन रखे कहाँ पे? फर्स्ट क्रिप प्रपोजल्स, सेकंड ऑगस्ट ऑफर, थर्ड ऑप्शन कैबिनेट मिशन प्लान एंड फोर्थ ऑप्शन इज एक्ट ऑफ 1935। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, ऑगस्ट ऑफर। द नेशनलिस्ट डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज द फर्स्ट टाइम कंसिडर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट तफ इनडायरेक्टली विद द रिजर्वेशंस इन द ऑगस्ट ऑफर। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, द ऑगस्ट ऑफर प्रपोज द फॉलोइंग
जो ऑगस्ट ऑफर था वो नीचे दिए गए से स्टेटमेंट्स प्रपोज करता है। आफ्टर द वॉर अ रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी शॉल बी अपॉइंटेड इमीजिएटली आफ्टर द वॉर। जब जंग खत्म हो जाएगी रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी थी वो शॉल बी अपॉइंटेड इमीजिएटली आफ्टर द वॉर। जंग होने के बाद इमीजिएटली वो अपॉइंट की जाएगी। सेकंड द नंबर ऑफ इंडियंस इन द विसरॉयज वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल बी इंक्रीज। जो नंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे उनकी जो भारतीय संख्या थी वो बढ़ाई जाएगी। अ वॉर एडवाइजरी काउंसिल वुड बी सेट अप। जो वॉर एडवाइजरी यानी कि जो युद्ध सलाहकार समिति थी उस वो बैठाने वाली थी। तो इस तरह से सिक्स्थ क्वेश्चन को हमने अच्छे से डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एडॉप्टेड फ्रॉम द मौर्य डायनेस्टी इन द एम्ब्लेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डायनेस्टी यानी कि साम्राज्य मौर्य साम्राज्य। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एडॉप्टेड फ्रॉम द मौर्य साम्राज्य इन द एम्ब्लेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो एम्ब्लम है भारत का चिन्ह वो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एडॉप्ट नीचे दिखे में से कौन सा वो एडॉप्ट किया गया। फर्स्ट फोर लाइन्स, सेकंड चैरियट व्हील, थर्ड हॉर्स, फोर्थ इज वर्ड्स सत्यमेव जयते। नीचे दिखे में से कौन सा वो एडॉप्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मौर्य साम्राज्य का। फोर लाइन्स, चैरियट व्हील, हॉर्स या वर्ड्स सत्यमेव जयते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। तो कौन सा आंसर रहेगा बताइए, सोचिए और गेस कर लीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फोर लाइंस, द नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया। द नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया इज फोर लाइंस। Four lions was adopted from the Maurya Samrajya in the emblem of the government of India. Maurya dynasty. इसका सही explanation दिया हुआ है। The national emblem of India is based on the loin capital of the Ashoka pillar in Sarnath, Uttar Pradesh. जो national emblem है इंडिया का भारत का राष्ट्र चिन्ह वो किस पे बेस्ड है, तो लॉयन कैपिटल ऑफ द अशोका पिलर। अशोका पिलर जो सारनाथ में उत्तर प्रदेश में है उसके ऊपर बेस्ड है। इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉयन कैपिटल दैट इज ऑर्नामेंटेड ऑन टॉप ऑफ अशोका पिलर। अशोका पिलर के टॉप पे वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लॉयन कैपिटल का। इट वॉज एडॉप्टेड ऑन द 26 जनवरी 1959। ये कर्व एडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1959 पे। व्हेन इंडिया बिकम रिपब्लिक दैट्स मीन इन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू द फेस। यहाँ पे देखिए थोड़ी से चेंजेस हो चुके हैं शायद पीपीटी पे। 1949 इट वाज एडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1949 व्हेन इंडियन बिकेम रिपब्लिक दैट्स मीन व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स। और कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय। जो ऑफिस था ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय। जो ऑफिस था गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया का वो कब क्रिएट हुआ यानी कि किस एक्ट से वो क्रिएट हुआ। ऑप्शन नंबर 1 चार्टर एक्ट 1813, सेकंड ऑप्शन चार्टर एक्ट 1833, थर्ड ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फोर्थ ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इन चारों में से कौन से एक्ट ने ऑफिस बनाया गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया यानी कि इस पोस्ट का ऑफिस वहाँ पे क्रिएट हुआ किस एक्ट की वजह से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चार्टर एक्ट 1833।
द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय चार्टर एक्ट 1833. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 कन्वर्टेड द टाइटल इन टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. द टाइटल वॉइसरॉय एंड द गवर्नर जनरल वॉज फर्स्ट यूज इन द क्वींस प्रोलोकेमेशन अपॉइंटिंग विस्काउंट कैनिंग इन 1858. जो टाइटल था वॉइसरॉय का और गवर्नर जनरल का जो सबसे पहले यूज हुआ क्वींस प्रोलोकेशन अपॉइंटिंग, जो क्वीन के जो यानी कि रानी के जो प्रोक्लेमेशन अपॉइंटिंग थे विस्काउंट कैनिंग इन 1858 में. द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय चार्टर एक्ट 1833. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हुम अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नीचे देखो में से कौन सा व्यक्ति फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जाना जाता है. ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर. ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी. ऑप्शन नंबर 3 इज जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन नंबर 4 इज वल्लभ भाई पटेल. तो इन चारों में से किसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत भारतीय संविधान का पिता माना जाता है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर. बॉर्न ऑन 14 अप्रैल 1891. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ. आम्बेडकर इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंस ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी. आम्बेडकर को फादर ऑफ इंस्टीट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, भारतीय संविधान का पिता. कब से? जब से वो चेयरमैन थे, सचिव थे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि मसूदा समिति के वो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, सॉरी सचिव नहीं अध्यक्ष. किसके थे? तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि मसूदा समिति के वो अध्यक्ष थे. द लेजेंडरी लीडर, तो जब से वो मसूदा समिति के अध्यक्ष थे तब से उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. द लेजेंडरी लीडर ब्रीथ हिज लास्ट ऑन 6 दिसंबर 1956. ये जो तेजस्वी लीडर था यानी कि लेजेंडरी लीडर था, उन्होंने अपनी आखिरी सांस 6 दिसंबर 1956 में ली, यानी कि उनकी डेथ हुई 6 दिसंबर 1956. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन डिड मिस्टर अटले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस. ये कब हुआ? जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड यानी कि मिस्टर एटली, इन्होंने अनाउंस किया कि जो पावर होगी वो यूनाइटेड किंगडम से ट्रांसफ़र होगी इंडियंस को, यानी कि भारतीय लोगों को दी जाएगी. कब? ये कब अनाउंस हुआ? फर्स्ट ऑप्शन फेब्रुआरी 1947. सेकंड ऑप्शन, मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ, व्हेन डिड मिस्टर एटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस. जो मिस्टर एटली थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन इंग्लैंड, मतलब तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर थे, पंतप्रधान थे उस वक्त के मिस्टर एटली इंग्लैंड के, उन्होंने ये कब अनाउंस किया कि वो पावर्स इंडियंस को ट्रांसफ़र कर देंगे? फेब्रुआरी 1947 में, अगस्त 1947 में, जून 1948 में या जून 1949 में? इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जून 1948. ऑन 20 फेब्रुआरी 1947 हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट अनाउंस देयर इंटेंशन ऑफ ट्रांसफरिंग पावर इन ब्रिटिश इंडिया टू इंडियन हैंड्स बाय जून 1948. 20 फेब्रुआरी 1947 को हिज मैजेस्टी यानी कि जो पंतप्रधान इंग्लैंड के जो मैजेस्टी थे यानी कि मिस्टर एटली के ऊपर जो राजा थे उस वक्त के इंग्लैंड के, और जो रानी थी विक्टोरिया, उन इन दोनों में से ये अनाउंस किया गया कि उनकी इंटेंशन अनाउंस किए गए कि वो ब्रिटिश जो पावर है भारत में वो ट्रांसफ़र करेंगी इंडियन लोगों को, इंडिया के हाथ में
यानी कि जो भारतीय लोगों के वो ट्रांसफ़र करेंगी। कब ये वो अनाउंस किया गया? जून 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन? ड्राफ्टिंग किसने प्रपोज किया कि द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? नीचे देखे में से किसने प्रस्तावना प्रस्तापित की, प्रपोज की बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पहले किसने प्रस्तावना प्रपोज की? फर्स्ट ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन बी आर आम्बेडकर, थर्ड ऑप्शन बी एन राव, फोर्थ ऑप्शन इज महात्मा गांधी। तो इन चारों में से किसने ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मसूदा समिति जो संविधान की थी कॉन्स्टिट्यूशन उससे पहले प्रपोज की प्रस्तावना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मसूदा समिति के जो कॉन्स्टिट्यूशन की मसूदा समिति थी, संविधान की मसूदा समिति संविधान बनने की, तो उससे पहले प्रस्तावना किसने रखी? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो प्रीएम्बल था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस पे बेस्ड था? तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो ड्राफ्ट और मूव्ड बाय पंडित नेहरू, जो ड्राफ्ट की गई और मूव की गई पंडित नेहरू के अंडर बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो मसूदा समिति बनने से पहले एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने एडॉप्ट भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? नीचे दिए में से चार स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है भारतीय संविधान से रिलेटेड? ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो संविधान भारतीय संविधान है वो पूरी तरह से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। सेकंड, इट इज़ मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो भारतीय संविधान है वो टोटली बेस है और ओनली ऑन द बेसिस ऑफ किस पे बेसिस पे ये है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया उस पे। थर्ड, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन। ये कई कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन वो जब तब उस वक्त बने हुए थे उन सबका मिक्सचर है यानी कि एक मसाले टाइप। फोर्थ, इट इज़ ओरिजिनल। ये ओरिजिनल है यानी कि वास्तविक और ओरिजिनल है यानी कि ये किसी से भी लिया गया नहीं या फिर मिक्सचर नहीं किया, ये अपने आप ही यूनिक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, थर्ड, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशंस। जो भारतीय संविधान है वो मिक्सचर है सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन का, कई सारे संविधानों का, कई सारे देशों के संविधानों का। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय संविधान है, जो भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सबसे ज़्यादा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा लिखा हुआ, जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है वर्ड्स में वो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। इट हैज़ बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन थे वो कहाँ से लिए गए और बोरो किए गए? तो वो वेरियस कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए और उसी के साथ ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लागू हुआ उससे भी कई प्रोविजंस लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग। नीचे देखिए में से ए बी सी डी को 1 2 3 4 इनसे मैच करना है उनके उनके स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन से।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, फोर्थ कैबिनेट मिशन प्लान, फर्स्ट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सेकंड सेपरेट इलेक्टोरेट, थर्ड डारची, फोर्थ इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये किससे मैच करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये किससे मैच करता है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, देन फोर्थ इज कैबिनेट मिशन प्लान। तो अच्छे से देखिए, प्रोविजनल ऑटोनॉमी, सेपरेट इलेक्टोरेट, डायरची, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रह सकता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर और कौन सा सीक्वेंस जो है वो सही रह सकता है। चार ऑप्शन दिए गए और इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, A3, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये किससे रिलेटेड है, डारची ने दिया था। देन B1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये किससे रिलेटेड है, ये है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इस टॉपिक से रिलेटेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देन थर्ड इज मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, जो थर्ड ऑप्शन है जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ये किस पे बेसिस है और किससे रिलेटेड है, ये सेपरेट इलेक्टोरेट, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स से किससे रिलेटेड है, सेपरेट इलेक्टोरेट से रिलेटेड है। फोर्थ कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान ये किस पे डिपेंड है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमें यहाँ पे दिख ही गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कैबिनेट मिशन प्लान किससे रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारतीय संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द अमेंडमेंट प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑन द पैटर्न ऑफ, जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है जो भारतीय संविधान ने आत्मसात की वो इज ऑन पैटर्न ऑफ, ये किसका पैटर्न है, ये यानी कि किस देश है, जैसे मैंने अभी तक हमने डिस्कस किया कि जो भारतीय संविधान है वो जो उसके जो प्रोविजंस है वो कई सारे देशों से लिए गए, मतलब पूरी तरह से नहीं लेकिन जो भाग या फिर जो भी पार्ट भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पोर्टेंट था, तो जिस तरह से ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर, उनकी टीम, इन सब ने उन सबको देखा, उन पर स्टडी की और फिर कई कुछ प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए। तो नीचे दिए में से कौन सा एक्ट से वो अमेंडमेंट प्रोसीजर ली गई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, फर्स्ट ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया 1947 से। देन थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका संविधान। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। द अमेंडमेंट प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑन द पैटर्न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, उससे द अमेंडमेंट प्रोसीजर थी वो ली गई थी, बोरो की गई। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो भारत का संविधान है वो किसका ब्लेंड है, वो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का, इन दोनों का संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड इन, जो सबसे पहला सेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो कहाँ पे हेल्ड हुआ, फर्स्ट बॉम्बे, सेकंड कलकत्ता, थर्ड इज लाहौर एंड फोर्थ इज न्यू दिल्ली। तो इन चारों में से कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे पहला सेशन हुआ, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, न्यू दिल्ली। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द प्लेस वेयर द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड। द डे ऑन डेथ 9 December 1946। The first meeting was held in the Constitution Hall, New Delhi. Now the Central Hall of Parliament House. जो first meeting थी वो कहाँ पे held हुई? New Delhi में Constitution Hall. Constitution Hall. संविधान सभा और संविधान का अगर आप room कहे तो भी the Constitution Hall. अब इसे क्या कहते हैं? Central Hall of Parliament House. अब उसे सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस कहा जाता है। वहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली सेशन लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। द फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस जेपी कृपलानी टेम्पररी द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड सचिदानंदा सिन्हा डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट द मुस्लिम लीग बॉयकॉट द विटी। जो फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एड्रेस किया वो थे जेपी कृपलानी, टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट अपॉइंटेड सचिदानंद सिन्हा, जो टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट थे सभा के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सबसे पहले जो हुआ 1946 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा थे। और डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग। एक सेपरेट स्टेट के लिए मुस्लिम लीग के जो मेम्बर्स थे, और ऐसा कह सकते मुस्लिम लीग ही थी पूरी, उन्हें एक सेपरेट स्टेट चाहता पाकिस्तान, जो बना भी बाद में, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि भारत के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने ये कहा कि वो नहीं होगा, तो उन्होंने बॉयकॉट की मीटिंग को जो फर्स्ट सेशन हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constitution Assembly? नीचे दिए गए में से कौन सा व्यक्ति चेयरमैन था of the Union Constitution Committee of the Constitution Assembly? भारतीय संविधान के जो Union Constitution Committee के अध्यक्ष और चेयरमैन कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज द जवाहरलाल नेहरू। इसका सही एक्सप्लेनेशन दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द November 1946 अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंसिस्ट की गई नवंबर 1946 से उन्होंने कंसिडर किया। अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज 389। जो टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो कितनी थी? 389 थी। लेकिन इट कंप्राइज ऑफ सेवरल कमिटीज टू डील विद द डिफरेंट टास्क। लेकिन जो कंप्राइज किया डिफरेंट टास्क, जो एक जो कमिटी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसे कई सेवरल कमिटीज में कंप्राइज किया गया उन्हें डिफरेंट टास्क देकर। वन सच यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी वॉज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। और जब वो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जो थी वो किसने हेडेड की? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हु अमंग द फॉलोइंग वेज वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। नहीं देखे में से कौन सा व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सदस्य नहीं रहा हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन नंबर 1, आचार्य जेबी कृपलानी ऑप्शन नंबर 2, लोक नायक जयप्रकाश नारायण ऑप्शन नंबर 3, के एम मुंशी ऑप्शन नंबर 4। इन चारों में से कौन सा मेंबर नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ये आपको फाइंड करना है। इस क्वेश्चन का से आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। ऑप्शन नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल,
सेकंड आचार्य जे बी कृपलानी, थर्ड लोकनायक जयप्रकाश नारायण, के एम मुंशी, इन चारों में से कौन सा वो मेंबर था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो नहीं था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इस क्वेश्चन का सही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन नवंबर 1946। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, संविधान सभा थी, वो कॉन्स्टिट्यूट हुई नवंबर 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। किसके अंडर द कैबिनेट मिशन और प्लान के अंदर वो तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी वो जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एक पार्ट नहीं थे, यानी कि वो मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन नवंबर 1946 अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, जो कॉन्स्टिट्यूटेड हुई नवंबर 1946 में, किसके अंदर द कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर, इट हैज़ ए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 389 मेंबर्स। जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी, 389 मेंबर्स, एंड अपॉइंटेड सेवरल कमिटीज फॉर डीलिंग विद डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और सेवरल कमिटीज़ भी उन्होंने बुलाई थी तो किस लिए, तो अपॉइंट करने के लिए सेवरल कमिटीज फॉर द डीलिंग विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो डील करते थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से मेकिंग। वल्लभ भाई पटेल वॉज चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। जो चेयरमैन कौन थे, तो वल्लभ भाई वो है वॉज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। वो वल्लभ भाई पटेल वो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के। जे पी कृपलानी हेडेड थे फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। जो जे पी कृपलानी थे वो अध्यक्ष थे यानी कि लीडर थे किसके, तो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के। एंड डॉक्टर मुंशी वॉज चेयरमैन ऑफ द ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। और डॉक्टर के एम मुंशी किसके चेयरमैन है, सो वो चेयरमैन है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के। लोकनायक जयप्रकाश नारायण वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण वॉज और द मेंबर of the Constitution Assembly which is not here is Loknayak Jayaprakash Narayan. Next question. Question number 18. Which among the following is are the features of a federal state? Federal state के कौन से features नीचे दिए गए किसी statement से है जो relate करते हैं federal state से, उनके features से। 1. The powers of the center and the state constituent unit governments are clearly laid down. जो powers होते हैं central और state constituent units की, उनके governments की, are clearly laid down. वो laid down होते हैं, यानी कि दोनों में साथ बांटा जाता है। Second, it has an unwritten constitution. इसके पास unwritten constitution होता है federal state के पास। तो इन दोनों में से कौन सा वो feature होता है federal state का? दोनों होते हैं, सिर्फ पहला होता है या second होता है, या सिर्फ सेकंड होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। मैं फिर से एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जो पावर्स होते हैं सेंट्रल और द स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट गवर्नमेंट्स की, वो क्लियरली लेड डाउन यानी कि अच्छी तरह से उसे स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है कि किसके पास कितनी पावर्स होगी इनमें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन ओनली। जो पहला ऑप्शन है यानी कि पहला ऑप्शन है वही सही है, यानी कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। द पावर्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट गवर्नमेंट्स आर क्लियरली लेड डाउन, यस इट इज द ओनली फीचर ऑफ फेडरल स्टेट विच इज गिवन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री, पहले विदेश मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू,
ऑप्शन नंबर टू गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन नंबर थ्री लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर फोर जॉन मथाई। इन चारों में से कौन सा पहला फॉरेन मिनिस्टर था, यानी कि विदेश मंत्री थे फ्री इंडिया के, यानी कि स्वतंत्र इंडिया के, स्वतंत्र भारत के। तो इस क्वेश्चन का से आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का से आंसर है ऑप्शन नंबर वन जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री थे। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो हेल्ड द पोस्ट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया विथ अप्रॉक्सीमेटली 17 ईयर्स ऑफ टेन्यूर। जो सबसे पहले द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री की भी पोस्ट उन्होंने ली थी, खुद के पास रखी थी। ही इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो भारत के सबसे ज़्यादा काल तक फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री रह चुके हैं, और लगभग 17 ईयर्स ऑफ टेन्योर, यानी कि 17 ईयर्स उन्होंने एज ए विदेश मंत्री भारत के काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अंडर हुम अमोंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड इन अक्टूबर 1947 बाय द एडवाइजरी ब्रांच ऑफ द ऑफिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नीचे दिए गए में से किसके अंडर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो पहला ड्राफ्ट था भारत के संविधान का, वो तैयार किया गया, प्रिपेयर किया गया कब, तो अक्टूबर 1947 में किया गया बाय द एडवाइजरी ब्रांच ऑफ द ऑफिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये जो कमिटी थी या फिर जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर किया, ये किसकी एडवाइजरी थी, एडवाइजरी ब्रांच ऑफ द ऑफिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऑफिस की एडवाइजरी ब्रांच थी। तो किसके अंडर ये फर्स्ट ड्राफ्ट भारत के संविधान का तैयार हुआ। ऑप्शन नंबर वन डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, ऑप्शन नंबर टू जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर थ्री के एम मुंशी, या ऑप्शन नंबर फोर बी एन राव। तो इस क्वेश्चन का से आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का से आंसर है ऑप्शन नंबर फोर बी एन राव। बी एन राव वॉज द फर्स्ट, अंडर द बी एन राव द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर। जो फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि संविधान का, भारत के संविधान का जो फर्स्ट ड्राफ्ट था वो तैयार किया गया कब, तो अक्टूबर 1947 में बाय द एडवाइजरी ब्रांच ऑफ द ऑफिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सर बी एन राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ही प्रिपेयर्ड द ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 1948 विच वॉज डिस्कस्ड एंड स्क्रूटिनाइज्ड बाय द ड्राफ्टिंग कमिटी थ्रूली टू शेप इट इन फाइनल ड्राफ्ट। किसके अंडर ये बनी थी, तो वो थे बी एन राव, और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। बी एन राव अपॉइंट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, मतलब संविधान के जो एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उन्होंने ये पद दिया था, एज ए अपॉइंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर। ही प्रिपेयर्ड द ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 1948 विच वॉज डिस्कस्ड एंड स्क्रूटिनाइज्ड बाय द ड्राफ्टिंग कमिटी थ्रूली टू शेप इट इन द फाइनल ड्राफ्ट। तो जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी जिसके लिए वो किसके अंडर थे, तो वो बी आर आम्बेडकर यानी कि बाबा साहब आम्बेडकर के अंडर थी। तो इससे 1948 में जो ओरिजिनल ड्राफ्ट बना था सबसे पहला, वो बी एन राव के अंडर बना था, और फिर उसके बाद दिए गए ड्राफ्टिंग कमेटी को उसको शेप देने के लिए, फाइनल ड्राफ्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नीचे दिए गए में से कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं, ड्यूटी होती है सिटीजन की यानी कि नागरिक की अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। नीचे दिए गए में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फंडामेंटल ड्यूटी होती है एक नागरिक की, सिटीजन्स की, जो बताती है। ऑप्शन नंबर वन टू प्रोवाइड फ्रेंडली कोऑपरेशन टू द पीपल ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज। फ्रेंडली कोऑपरेशन रखने के लिए जो पीपल होते हैं नेबरिंग कंट्रीज के साथ, उनके साथ
टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो नेशनल इम्पोर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने की. थर्ड, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जो कंट्री को डिपेंड करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अगर रेंडर नेशनल सर्विस, यानी कि आपको अगर नेशनल सर्विस में जाना पड़े तो आप जाएंगे जब भी आपको जरूरत, आपकी ज़रूरत पड़े. फोर्थ, टू नो मोर एंड मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत की हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की ये फंडामेंटल ड्यूटी होती है. तो इन चारों में से कौन सा वो सही आंसर है जो फंडामेंटल ड्यूटी होती है किसी भी सिटीजन्स की अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान सिटीजन्स के बारे में कहता है, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स के बारे में. उस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, टू डिपेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, भारत को संरक्षित करने के लिए या फिर भारत की रक्षा करने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए ज़रूरत पड़े तो नेशनल सर्विस में आपको जब भी बुलाएं तब आपको जाना पड़ेगा. दिस इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इन चार ऑप्शन में से है. टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस, टू डिपेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, ये किसके बारे में, तो इंस्टीट्यूशंस और आइडल्स और रिस्पेक्ट के बारे में, रिस्पेक्ट एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट होती है उसके बारे में. इंस्टीट्यूशंस द नेशनल फ्लैग, भारत के झंडे के लिए, तिरंगे के लिए, एंड द नेशनल एंथम, राष्ट्रगान के लिए. टू अपहोल्ड, जब भी ज़रूरत पड़े तो डिपेंड करने के लिए, भारत को रक्षा देने के लिए, भारत को संरक्षित करने के लिए जब भी नेशनल सर्विस के लिए आपको बुलाया जाए तो आपको जाना पड़ेगा. नेक्स्ट, और मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, जब भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, जो सीनो इंडियन वॉर और इंडो चाइना वॉर हुई थी, वहाँ पे आर्मी के लिए कुछ नागरिकों को भी ट्रेनिंग देके वहाँ पे ले जाया गया. जब आर्मी की ज़रूरत कम, मतलब जब लोग कम थे आर्मी में उस एरिया में, तब उस एरिया के या फिर जो अगल बगल के एरिया थे उनसे जो युवा व्यक्ति थे उनको एज ए आर्मी मैन चूज़ किया गया लड़ने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द फर्स्ट एफर्ट एट ड्राफ्टिंग अ डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वॉज मेड इन रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट एफर्ट लिया गया एट ड्राफ्टिंग अ डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, एक डोमिन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया बनाने के लिए, इंडिया के लिए जो डोमिन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनाने के लिए, उसकी ड्राफ्टिंग करने के लिए, वॉज मेड इन रिस्पॉन्स टू द, वो किसके रिस्पॉन्स पे बनाया गया. फर्स्ट, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स. सेकंड, मॉन्ट्यूग चिल्सफोर्ड रिफॉर्म्स. थर्ड, साइमन कमीशन. फोर्थ, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ, द फर्स्ट एफर्ट एट ड्राफ्टिंग अ डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वॉज मेड इन रिस्पॉन्स टू द, वो किसके रिस्पॉन्स से बनाया गया. मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चिल्सफोर्ड रिफॉर्म्स, साइमन कमीशन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो इनमें से कौन सा. इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, साइमन कमीशन. द फर्स्ट एफर्ट एट ड्राफ्टिंग अ डोमिनियन स्टेटस द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वॉज मेड इन रिस्पॉन्स टू द साइमन कमीशन. द फर्स्ट एफर्ट जो ड्राफ्टिंग का किया गया डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, जो भारत के संविधान था डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, वो किसके रिस्पॉन्स पे बनाया गया, तो साइमन कमीशन के. इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, द साइमन कमीशन वॉज ए ग्रुप ऑफ 7 MPs फ्रॉम ब्रिटेन हु वेर सेंट टू इंडिया इन 1928 टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. साइमन कमीशन वॉज ए ग्रुप ऑफ 7 MPs. साइमन कमीशन ये ग्रुप था 7 MPs का, जो ब्रिटेन से भारत को, भारत में
उनको नौकरी दी गई इन 1928। कब? तो 1928 पे, टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। किसकी स्टडी करने के लिए? तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की स्टडी करने के लिए, एंड मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देने के लिए। द कमीशन वॉज ओरिजिनली नेम्ड द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, और जो कमीशन, जो साइमन कमीशन कहा जाता है, उसका ओरिजिनली नाम क्या था? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। इट केम टू बी नोन एज साइमन कमीशन आफ्टर इट्स चेयरमैन सर जॉन साइमन। लेकिन कुछ समय के बाद इसको साइमन कमीशन नाम दिया गया, जब इसके इस ग्रुप का चेयरमैन बने सर जॉन साइमन। जॉन साइमन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है साइमन कमीशन। द फर्स्ट एफर्ट एट ड्राफ्टिंग अ डोमिनेंट स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वॉज मेड इन रिस्पॉन्स टू द साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन कैटेगरीज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने स्टेट्स को कैटेगराइज किया इंडिया के चार कैटेगरीज में, ए बी सी सी एंड डी, इन द ईयर 1950 यानी कि 1950 में इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डिवाइड किया स्टेट्स को चार कैटेगरीज में, ए बी सी एंड डी। तो इन नीचे दिए में से कौन सा स्टेटमेंट वो करेक्ट है? फर्स्ट, द चीफ कमिश्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए स्टेट्स। जो चीफ कमिश्नर थे वो थे एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए स्टेट्स के। सेकंड, द राज प्रमुख वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कैटेगरी बी स्टेट। जो राज प्रमुख थे वो किसके थे? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी बी स्टेट्स के, बी कैटेगरी बी के, कैटेगरी बी स्टेट्स के वो एग्जीक्यूटिव हेड थे। थर्ड, द गवर्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी सी। और जो गवर्नर है वो एग्जीक्यूटिव हेड होते कैटेगरी सी के एंड डी स्टेट्स के, सी एंड डी स्टेट्स के। सेकंड ऑप्शन, द राज प्रमुख वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए स्टेट। जो राज प्रमुख होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते कैटेगरी, किस कैटेगरीज के? तो कैटेगरी ए स्टेट्स के। सेकंड, द चीफ कमिश्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कैटेगरीज बी एंड सी स्टेट। जो चीफ कमिश्नर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते किस कैटेगरीज के? तो सी कैटेगरीज के, स्टेट्स के। और जो गवर्नर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं डी कैटेगरी स्टेट्स के। थर्ड ऑप्शन, द गवर्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कैटेगरी ए स्टेट। जो गवर्नर है वो एग्जीक्यूटिव हेड है कैटेगरी ए स्टेट्स के। सेकंड, और मतलब उसी में, द राज प्रमुख वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी बी स्टेट। जो राज प्रमुख होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते किस कैटेगरीज के? तो कैटेगरी बी स्टेट्स के। द चीफ कमिश्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कैटेगरीज सी एंड डी स्टेट्स। फोर्थ, द गवर्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कैटेगरी ए स्टेट्स। द चीफ कमिश्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कैटेगरी बी स्टेट्स एंड द राज प्रमुख वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी सी एंड डी स्टेट्स। ये क्वेश्चन लंबा है, बड़ा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ये बताया जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, यानी कि भारत के संविधान ने स्टेट्स को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ए बी सी और डी, लेकिन उसके जो हेड होते वो कौन होते हैं? यहाँ पे तीन थे, द चीफ कमिश्नर, राज प्रमुख और द गवर्नर, गवर्नर यानी कि राज्यपाल। तो इन तीनों के जो दायरे हैं, उनकी जो पावर्स है वो बटी गई है कैटेगरीज में, ए स्टेट, बी स्टेट और सी एंड डी स्टेट। तो इनमें से कौन सा वो सही दिया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 20 सेकंड्स। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से सोचिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, द गवर्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए स्टेट्स। द राज प्रमुख वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी बी स्टेट। द चीफ कमिश्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी सी एंड डी स्टेट। जो गवर्नर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं कैटेगरी ए स्टेट्स के। राज प्रमुख होते हैं एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी बी स्टेट। जो चीफ कमिश्नर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं कैटेगरी सी एंड डी स्टेट्स के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो पावर्स है वो किस तरह से डिवाइड होती है बताई जाए बताया गया इस क्वेश्चन में अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रोमुलगेटेड ऑन जनवरी 26, 1950 बिकॉज। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, जो भारत का संविधान है, वो प्रोमुलगेटेड किया गया 26 जनवरी 1950 को। क्यों? बिकॉज।
ऑप्शन नंबर वन, दिस डे वॉज बींग सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे सिंस 1926. सेकंड, इट वॉज द विश ऑफ द फार्मर्स फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. थर्ड, द ब्रिटिश डिड नॉट वॉन्ट टू लीव इंडिया अर्लियर दैन दिस डेट. फोर्थ, इट वॉज एन ऑस्पिशियस डेट. तो इन चारों में से वो कौन सा सही ऑप्शन है? दिस डे वॉज बींग सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे सिंस 1929, ये जो इंडिपेंडेंस डे है वो 1929 से इसी डे पे यहाँ पे उसे सेलिब्रेट किया जाता है. इसकी वजह से इट वॉज द विश ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के जो फ्रेमर्स होते हैं उनकी विश थी या इस डेट से पहले ब्रिटिश यहाँ से लीव यानी कि यहाँ से बाहर जाना नहीं चाहते. फोर्थ, इट वॉज एन ऑस्पिशियस डेट डे. ऑस्पिशियस डे यानी कि शुभ दिन, शुभ दिवस, जो मुहूर्त निकालते नहीं क्या, मतलब हमेशा जो नॉर्मली किसी भी घर का अगर आपको वास्तु पूजन करना हो तो हम मुहूर्त निकालते, उस तरह से ये ऑस्पिशियस डे शुभ दिन था. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, दिस डे वॉज बींग सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे सिंस 1929. जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो प्रोमुलगेटेड किया गया जनवरी 26, 1950 को, क्योंकि ये जो डे था वो एज ए इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्र दिन की तरह सेलिब्रेट किया जाता था 1929 से. 26 जनवरी 1950 वॉज स्पेशली चूजन एज द डे ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट वॉज ऑन दिस डे पूर्ण स्वराज्य डे वॉज सेलिब्रेटेड इन 1930 में पूर्ण स्वराज्य दिन इसी दिन यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था. और द फॉलोइंग द इवेंट ऑन December 31, 1929 एट लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में नेहरू जी हॉइस्टेड द ट्राइकलर एंड डिमांड पूर्ण स्वराज्य. और ये किसकी फॉलोइंग द इवेंट ऑन, जो इवेंट हुआ 31 दिसंबर 1929 को कहाँ पे, तो लाहौर सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जब नेहरू हॉइस्टेड द ट्राइकलर, जब उन्होंने जो ट्राइकलर जो तिरंगा था उन्होंने चूज़ किया और उन्होंने होस्ट किया यानी कि उसे लहराया हवा में और उसे तिरंगे को झंडे में लगाया गया. एंड डिमांडेड पूर्ण स्वराज्य, और उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की यानी कि संपूर्ण पावर, पूर्ण स्वराज्य यानी कि पूरे भारत पे एक ही राज्य, पूर्ण स्वराज्य, वो भी इंडियन लोगों का. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान का आइडिया था वो सबसे पहले किसने दिया? ऑप्शन नंबर वन, महात्मा गांधी. ऑप्शन नंबर टू, B.R. आम्बेडकर. ऑप्शन नंबर थ्री, जवाहरलाल नेहरू. ऑप्शन नंबर फोर्थ, M.N. रॉय. इन चारों में से किसने जो आइडिया था भारत के संविधान का वो दिया गया सबसे पहले, इनमें से किसने सबसे पहले वो दिया? महात्मा गांधी थे, डॉक्टर B.R. आम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, M.N. रॉय थे. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, M.N. रॉय. द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय M.N. रॉय. और M.N. रॉय गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. M.N. रॉय अ पियोनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया एंड एन एडवोकेट ऑफ रेडिकल डेमोक्रेसी वॉज द पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1934 पुट फॉर द आइडिया एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर एंड अकॉर्डिंग टू द इंडियंस. M.N. रॉय ये पियोनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के इन इंडिया में भारत के, एंड एडवोकेट थे रेडियल डेमोक्रेसी के. वो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने 1934 में एक आइडिया पुट फॉरवर्ड की इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने. किसके लिए? तो फॉर फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान को फ्रेमिंग करने के लिए, फॉर एंड अकॉर्डिंग टू द इंडियंस. किन के लिए? तो इंडियंस के लिए. और किसके? इंडियन के अकॉर्डिंग्स के लिए, भारत के लोगों के लिए उन्होंने आइडिया निकाले कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. तो इस तरह से 25 क्वेश्चंस इस वीडियो के कंप्लीट किए. बहुत ही बड़ा वीडियो बना है, सॉरी इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. हर क्वेश्चंस के बारे में अच्छी तरीके से जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि पॉलिटी
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है यूपीएससी का, और बाकी के जीवन में भी यूपीएससी के जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए, तो अच्छे से डिटेल हम किसी भी बात को सीखेंगे पॉलिटी में। अगर इस तरह से वीडियो बड़े बने या अगर आपको थोड़ी दिक्कत जा रहे हैं तो 2x या फिर 1.5x में भी आप देख सकते हैं। मैं बहुत ही धीरे से समझाता हूँ, बहुत ही स्लोली लेता हूँ, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट्स या फिर कोई भी एस्पिरेंट्स अच्छे से समझ नहीं आ रहा हो फास्टली, तो ये गलत है, इसलिए मैं नॉर्मली समझाता हूँ। अगर आपको लगता है कि थोड़ा स्लो समझाता हूँ तो आप प्लीज़ स्पीड इंक्रीज़ कर दीजिए। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो नॉर्मल पर्सन है, जिनको अच्छे से या फिर जो स्लोली सुनना चाहते या स्लोली पढ़ना चाहते किसी भी पॉलिटिक या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में, तो मैं उनके लिए बनाता हूँ। अगर आप बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं कुछ और अच्छा है ये बात, तो आप प्लीज़ अपना टाइम बचाने के लिए स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मोटिवेशन मुझे मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो, और हमारे चैनल सबको शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।